गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ क्लास 10th। तो देखिए, हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट वाटर फॉर ऑल, कि पानी सभी के लिए कैसा है। वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो पानी होता है वो सबके लिए, जितने भी टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पर रहने वाले हैं, उन सभी के लिए क्या है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वी स्टडीड इन क्लास 9th अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज रिसोर्स। हमने क्लास 9th में वाटर की जो इम्पॉर्टेंस है वो पढ़ ली थी, द वाटर साइकिल एंड हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉल्यूट्स वाटर बॉडीज़, और जो वाटर की साइकिल है वो क्या है, और जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो पानी को किस तरीके से पोल्यूट करती है, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो चेंजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन वेरियस रीजन। यहाँ तक कि इंटरवेंशन मतलब ये हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि पानी कहाँ पर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये चीज़ भी हम पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि अवेलेबिलिटी जो है वो पानी की कहीं पर कम है, इस चीज़ ये चीज़ भी हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही अफेक्टेड है। A study ऑफ रेनफॉल पैटर्न डज नॉट रिवेल द होल ट्रूथ बिहाइंड द वाटर अवेलेबिलिटी इन वेरियस सीजन्स इन इंडिया। ये कहते हैं कि जो रेन फॉल है उसकी जो स्टडी होती है वो ये नहीं बताती कि कहाँ पर कितना पानी होगा इंडिया के अंदर, इंडिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर कितना पानी होगा, इससे रेनफॉल जो है वो इस चीज़ को नहीं बता सकते। रेन इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू मानसूनस। जो हमारे इंडिया के अंदर जो बरसात होती है वो किसकी वजह से होती है, मानसून की वजह से होती है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में कुछ महीनों के लिए क्या होती है, बारिश होती है। डिस्पाइट नेचर्स मानसून बॉन्टी फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड हैज़ रेगुलेटेड लार्जली फ्रॉम द लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस एंड अर्बन वेस्ट। अब जो मानसून है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो नहीं रहे, बहुत कम पेड़ हो गए हैं। ठीक है, सेकेंडली जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हम फसल अब आजकल लगाते हैं, वो फसल क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी मांगती है। क्यों? बरसात तो बहुत कम होती है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये रीज़न है। और एक रीज़न है कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना वेस्ट कहाँ डालती हैं, वाटर के अंदर डालती है, तो वाटर पोल्यूशन भी बढ़ गया है। इरीगेशन मैथड लाइक डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। जो डैम है, टैंक्स है और नहर है, ठीक है, इनका यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर बहुत लंबे टाइम से। दिस वर जनरली लोकल इंटरवेंशन मैनेज्ड बाई लोकल पीपल एंड एश्योर्ड दैट द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड डेली नीड्स वर मेट थ्रू आउट द ईयर। और इन सभी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो लोकल पीपल है, जो वहाँ पर रहते हैं इन कैनाल के और डैम के आसपास, उनकी जो पानी की नीड है, उनकी जो एग्रीकल्चर नीड है या डेली पानी की जो नीड होती है पूरे साल की, उनको पूरा किया जा सके। द यूज़ ऑफ दिस स्टोर्ड वाटर वॉज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड ऑप्टिमम क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी वर अराइव्ड एट वन ऑफ on the basis of decades, century of experience and the maintenance of these irrigation system was also local affair. तो ये कहता है कि ये जो पानी है जो स्टोर किया गया है, इसका जो रेगुलेशन है, मतलब इसको किस तरीके से काम में लिया जाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, strictly regulated होती है। मतलब हर चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स में। और हमारे पास क्या है, दशकों से, डिकेड से, सेंचुरी से, इस तरीके से जो इरिगेशन सिस्टम है या फिर जो लोकल लोगों को जो पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब द अराइवल ऑफ ब्रिटिश चेंज दिस सिस्टम एज इट चेंज मैनी अदर थिंग्स। जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटेन से जो लोग आए हुए थे, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी। The conception of large scale project like dams and canal traversing large distances were first conceived and implemented by British and carried on with no less gusto by our newly formed independent government. ये जो डैम प्रोजेक्ट हैं और हार्वेस्टिंग के लिए जितने भी चीज़ें लगाई गई थी लार्ज डिस्टेंस के लिए, मतलब
पानी जो है उसको लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए जो डैम्स हैं, पाइप्स वगैरह जो लगाई गई थी, वो किन्होंने लगाई थी? ब्रिटिश लोगों ने ही करवाई गई थी, वो उनके द्वारा ही, ठीक है। और हमारी जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी उसने भी उसके अंदर अपना रोल प्ले किया था। दीज मेगा प्रोजेक्ट्स लीड टू द नेग्लेक्ट ऑफ लोकल इरीगेशन मैथड एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजिंगली लुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज सिस्टम लीडिंग टू द लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द लोकल वाटर रिसोर्सेज बाई लोकल पीपल। और ये जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जो मेगा प्रोजेक्ट लगाए थे, ये जो लार्ज डैम के जो प्रोजेक्ट वगैरह लगाए थे, तो इनका पता क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि अगर लोकल इरिगेशन है, मतलब अगर हमारे हम नॉर्मली खेतों में सिंचाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो उस पानी को अवेलेबल नहीं करवाते थे। और अगर लोकल पीपल को भी वो पानी चाहिए होता था तो उनके लिए भी वो पानी अवेलेबल नहीं होता था। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डैम्स। देखिए, Why do we seek to build dams? हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है? Large dam can ensure the storage of adequate water, not just for irrigation, but also for generating electricity, as discussed in previous chapter. जैसा कि पहले वाले चैप्टर में बताया गया है कि जो डैम होते हैं ना, वो केवल पानी को स्टोर करने के काम ही नहीं आते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो भी, किस डैम के अंदर जो पानी स्टोर होता है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। कैनाल सिस्टम, जो हमारा नहर वाला जो सिस्टम होता है, लीडिंग फ्रॉम दीज डैम्स कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ग्रेट डिस्टेंसेज। जो ये नहर का सिस्टम होता है, जो नहर कहाँ से जुड़ी हुई होती है, डैम से जुड़ी हुई होती है, तो ये जो नहर है वो पानी को बहुत लार्ज डिस्टेंसेज, लंबे दूरी तक लेकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडर एरिया ऑफ राजस्थान। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी जो नहर है, वो उसने क्या कर रखा है, राजस्थान के अंदर हरियाली लाई हुई है वो। हाउएवर, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर हैज़ लार्जली लेड टू बेनिफिट्स बींग कंसर्न बाई फ्यू पीपल। लेकिन अगर इस चीज़ का मिसमैनेजमेंट किया जाए, मतलब हम अगर इस चीज़ को भी सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या होगा, हमें कोई बेनिफिट नहीं पहुँचेगा। देर इज़ नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। दस पीपल क्लोज टू द सोर्स ग्रो वाटर इन टेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड राइस, वाइट पीपल फर्दर डाउन स्ट्रीम डू नॉट गेट एनी वाटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इस वजह से जो लोग उस पानी के पास में होते हैं, जिनको प्रॉपर अच्छा पानी मिल पाता है, वो क्या करते हैं, गन्ने की या फिर चावल की खेती करते हैं, जबकि जो दूरी पर स्थित जो होते हैं उन लोगों को सही से पानी नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या करते हैं भाई, वो ऐसी फसल लगाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। द व्यूज ऑफ दीज पीपल हु हैव बीन प्रोमिस्ड बेनिफिट्स विच नेवर अराइव्ड आर एडेड टू द डिसकंटेंटमेंट among the people who have been displayed by building of dams and its canal network। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको, मतलब ये प्रोमिस किया गया था कि उन्हें जो ये डैम और ये सब कैनाल वगैरह लगाई जा रही हैं, जो से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी मैंशन द रीज़न ऑफ अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो वी मैंशन द रीज़न, हमने जो रीज़न है, जो कारण है कि जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनको बनाने से रोका जाता है, तो क्यों रोका जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। सच एज टिहरी डैम, जो टिहरी डैम है ऑन रिवर गंगा, गंगा रिवर पर बनाया गया है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द प्रोटेस्ट बाई द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये एक प्रोटेस्ट किया गया था। सेव नर्मदा मूवमेंट, इसको सेव नर्मदा मूवमेंट भी कहा गया, अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और उसके खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है ये किया गया था। क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम्स एड्रेस थ्री प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर। क्या क्या, मतलब क्यों किया जा रहा है ये, देखिए वो देखें। सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे डिसिप्लिन लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विदाउट एडिक्युएट कंपनसेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन। कहता है कि जहाँ पर डैम बनाया जाता है ना, उस जगह की जो ज़मीन वगैरह होती है, जो डैम वगैरह बना रहे हैं, वो विदाउट कंपनसेशन के, मतलब कोई अच्छा कंपनसेशन नहीं मिलता लोगों को, और मतलब बहुत सारा प्लेस जो है वो ले लिया जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस फेलो अप यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, और इससे जो लोगों का जो मतलब धन होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज अमाउंट में यूज़ हो जाता है, विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, और इतना कुछ उनको बेनिफिट भी नहीं मिल पाता। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट
इनॉर्मसली टू डीफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इस बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी लॉस होता है और पेड़ों की कटाई भी की जाती है डैम बनाने के लिए. द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाई वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर लार्जली पुअर ट्राइबल्स, और द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेड, और जिन लोगों को दर्शाया गया है बाई वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको देकर जिन लोगों को दर्शाया गया है वो लोग हर एक जो थे वो पुअर ट्राइबल्स, जो गरीब कस्बे होते हैं, मतलब जनजातियाँ जो होती हैं ना उनसे बिलोंग करते थे, हु डू नॉट गेट एनीफिट, और उनको कोई बेनिफिट उस चीज़ से नहीं मिला फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स एंड एलिग्नेटेड फ्रॉम देयर लैंड्स, और उन्हें अपनी ज़मीन भी खोनी पड़ी और जंगल से भी निकाले गए, ठीक है, लेकिन उनको कोई उस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिला. द आउटरीज ऑफ द तावा डैम बिल्ड इन द 1970s आर स्टिल फाइटिंग फॉर द बेनिफिट्स दे वर प्रोमिस्ड, और अभी भी तावा डैम जो बनाया गया था 1970s में, अभी भी लोग उसके बेनिफिट के लिए आज तक भी, जिस जो प्रोमिसज उनको किए गए थे उसके लिए आज तक भी लड़ रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर हार्वेस्टिंग, वो हम करेंगे कल. थैंक यू.